हेलो अमिगोस, तो भाई आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के ब्लॉग में मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहां पर मैं आपको फट से बताने वाला हूँ कि घर बैठे बैठे बिना कोई इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल फ्री में एक यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करी जाती है। एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए आपको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की कोई भी जरूरत नहीं है, आप ये चीज मिनटों के अंदर अपने फोन पे भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, और अगर आप सीरियस हो तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो भैया, मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका प्लान है आगे जाकर के एक YouTube चैनल खोलने का और उसे पैसे कमाने का। तो अगर आपके मन में वही चीज चल रही है तो ये वाला वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके साथ एक फैक्ट शेयर कर देता हूँ। आपको तो ऑलरेडी पता ही है कि इंडिया के अंदर जियो के लॉन्च होने के बाद से इंडिया के अंदर कैसे इंटरनेट की बूम हुई है। आज के डेट में इंटरनेट लगभग हर आदमी के पास है, और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ ऑनलाइन वीडियोस देखना कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो एक सर्वे से पता चली है कि पूरे इंडिया के अंदर जितने भी लोग ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं उनमें से 93% लोग सिर्फ YouTube वीडियोस देखते हैं। तो आप समझ सकते हो कि YouTube की रीच कितनी ज्यादा हो चुकी है। सो इन 2021 दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट अ YouTube चैनल। तो इस वीडियो को आप जल्द से जल्द देख लो और अपना YouTube चैनल फटाफट से स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एक YouTube चैनल स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए ओनली 3 things। तो सबसे पहला चीज है एक इंटरनेट कनेक्शन, जो कि आज के डेट में हर किसी के पास है। और जो दूसरी चीज चाहिए वो है एक मोबाइल फोन। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है कि एक YouTube चैनल क्रिएट करने के लिए आपको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की कोई भी जरूरत नहीं है, आप ये चीज अपने मोबाइल फोन पे भी कर सकते हो। एंड नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हिच इज द जीमेल अकाउंट, जो कि एक गूगल अकाउंट है जिसके बिना आप YouTube चैनल बिल्कुल भी क्रिएट नहीं कर सकते। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, सिर्फ 5 मिनट में ये बन जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो बस यही 3 चीज चाहिए, आपके पास एक YouTube चैनल हो जाएगा बस कुछ मिनटों के अंदर। अब मैं भाई यहाँ पे लैपटॉप का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप अपने फोन पे सिमिलर वे पे एक गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप वो काम कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा जीमेल अकाउंट के पेज पे, और यहाँ पर नीचे जो है क्रिएट अकाउंट उस पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर फॉर माई सेल्फ और टू मैनेज माई बिजनेस, यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर फॉर माई सेल्फ क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर आ गया है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पर आपको सारे नाम अपने डालने हैं और जितने भी सारे यहाँ पर बॉक्सेस हैं उसको सारे फिल करने हैं। तो यहाँ पर भैया मैं एक ब्लॉगिंग हब करके एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं सारे पासवर्ड वगैरह सब फिल कर दिए हैं। तो अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद जो पेज आएगा वहां पर आपको मिल जाएगा फोन नंबर डालने का ऑप्शन, जो कि ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। फोन नंबर आप डाल लेना क्योंकि बाद में ये आपको काम आ सकती है। तो यहाँ पर आपको फोन नंबर डालने के बाद आएगा रिकवरी ईमेल एड्रेस डालने का ऑप्शन, ये भी ऑप्शनल है। और उसके बाद आपका बर्थ डेट डालना पड़ेगा, और उसके बाद जो जेंडर है आपका वो डालना पड़ेगा। तो इस पेज का सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद जो पेज आएगा वहां पर आपको फोन नंबर वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो आपके पास एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा जिसके साथ आप अपने फोन नंबर को वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सेंड कर देना है। तो यहाँ पर ओटीपी डाल के हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो अकाउंट हो गया है वेरीफाइड, और यहाँ पर यस आई एम इन, और उसके बाद नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर आपको एग्री करने पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा जीमेल अकाउंट क्रिएट, जो कि सबसे पहला स्टेप है एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का। और ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आपके पास कोई जीमेल अकाउंट नहीं है तो आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं कर सकते। तो जीमेल अकाउंट तो हमारा क्रिएट हो गया है, अब हमें जाना है youtube.com पर। तो ये यहाँ पर ऊपर राइट कॉर्नर पे साइन इन ऑप्शन है, यहाँ से आपको अपने सेम ईमेल आईडी से लॉग इन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल दूंगा। तो YouTube पे लॉगिन हमारा हो चुका है कंप्लीट, और यहाँ पर राइट कॉर्नर पे आपको आपका लोगो दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो लिस्ट ओपन होगा वहां पर सबसे ऊपर क्रिएट अ चैनल करके जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि अपलोड अ पिक्चर, जो कि आपका प्रोफाइल पिक्चर रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके चैनल पे अगर कोई पिक्चर नहीं रहेगा तो आपको आइडेंटिफाई ठीक से लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है, आपको यहाँ पर एक पिक्चर भी अपलोड कर देनी है। मैं यहाँ पर पिक्चर अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जो नेम है वो दिया है ऑलरेडी, ब्लॉगिंग हब, जिस नेम के साथ मैंने एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करी थी उसी नेम के साथ मैं ये चैनल भी क्रिएट कर रहा हूं। तो यहां पर आपको जो क्रिएट चैनल ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये हो गई है हमारी यूट्यूब चैनल तैयार। तो यूट्यूब चैनल तो हमारा क्रिएट हो चुका है, तो आपने देख लिया है कि कितना ज्यादा इजी है एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के बाद भी कुछ सेटिंग्स जो है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो वीडियोस तो यहाँ पर आप इंस्टेंटली अपलोड कर सकते हो, यहाँ पर जो अपलोड वीडियो का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके आप कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हो। वीडियो अपलोड करने से पहले यहाँ पर जो कस्टमाइज चैनल ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर है चैनल कस्टमाइजेशन, आप यहाँ पर अपने चैनल को कस्टमाइज कर सकते हो। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है लेआउट,
या फिर आप अपने चैनल ट्रेलर डाल सकते हो, जो फीचर वीडियो है वो सेट कर सकते हो। तो लेफ्ट की तरफ आप जो देख रहे हो वहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड आपके चैनल का एक टोटल ओवरऑल व्यू है। यहाँ पर आपको कुछ हाइलाइटेड चीजें आपको देखने को मिलेंगे आपके चैनल के रिगार्डिंग, यहाँ पर कौन सा वीडियो आपने रिसेंटली अपलोड किया है, उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, आपका लास्ट 10 वीडियोस का परफॉर्मेंस क्या है, कुछ कॉमेंट्स, चैनल का ओवरऑल एनालिटिक्स, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको लेफ्ट की तरफ देखने को मिल जाएगा कॉन्टेंट, जहाँ पर आपको अपने सारे अपलोड देखने को मिल जाएंगे, आपके वीडियोज, आपके शॉर्ट वीडियो, सारी चीजें यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन, यहाँ पर आपको सारे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगे जो आपने क्रिएट करके रखे हुए हैं। उसके बाद है एनालिटिक्स, यहाँ पर आपको आपके चैनल के पूरे एनालिटिक्स देखने को मिलेगा। उसके बाद है कमेंट सेक्शन, उसके बाद है सबटाइटल्स, कॉपीराइट सेक्शन, मोनेटाइजेशन। तो ये जो सेक्शन है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर निर्भर करता है आपका पैसा कमाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर यूट्यूब का एक थ्रेशोल्ड दिया हुआ है जो कि है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो पूरे होने के बाद आपके वीडियोस पे चलने लगेंगे एड्स, जिसके वजह से आपको मिलने लगेगा पैसा। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया हुआ है नोटिफाई मी व्हेन आई एम एलिजिबल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाए। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो वी विल सेंड यू एन ईमेल व्हेन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो ये नोटिफिकेशन आपको अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो इसके बाद चलते हैं सेटिंग्स ऑप्शन पर। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स जो है वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो चीज है यहाँ पर चैनल पे आपको घुस जाना है और यहाँ पर आपको बेसिक इन्फो जो कंट्री है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा इंडिया। और यहाँ पर जो एड कीवर्ड का ऑप्शन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के जरिए आपके चैनल को सर्च कर सकते हैं लोग। मान लीजिए अगर कोई सर्च कर रहा है इंडियन ब्लॉगर, तो यहाँ पर अगर आपने डाला हुआ है इंडियन ब्लॉगर तो शायद सर्च के बाद आपका चैनल भी वहाँ पर दिख जाए। इसके बाद हमें जाना है एडवांस सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब इसके मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है आप देख लो, Do you want to set your channel as made for kids? अगर आप kids के related videos डालते हो तो आपको यहाँ पर yes कर देना है, ये जो ऑप्शन है yes कर देना है। अगर आप यहाँ पर kids related कोई video नहीं डालते, जो videos आप डालते हो वो kids के लिए नहीं बना है, तो यहाँ पर आपको कर देना है no। तो ये आपको यहाँ पर करके सेव कर देना है, क्योंकि ये चीज अगर आप पहले से करके रखते हो तो अपलोड के टाइम पे आपका टाइम बहुत ही बच जाएगा, क्योंकि ये चीज आपको तब करना नहीं पड़ेगा। तो भैया आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से एक YouTube चैनल को क्रिएट करी जा सकती है। तो चैनल तो हमारा क्रिएट हो गया, अब बात करते हैं इनकम के बारे में। अगर आप अपने YouTube चैनल से पैसा कमाना चाहते हो तो आपके चैनल को करना पड़ेगा एक एडसेंस अकाउंट से लिंक, क्योंकि तभी आपके चैनल के ऊपर आपके वीडियोस के ऊपर एड सर्व किया जाएगा और उसी से आपको पैसा मिलेगा। और एडसेंस अकाउंट के साथ आप तभी चैनल को लिंक कर सकते हो जब आपके चैनल पे ये थ्रेशोल्ड जो मैंने दिखाया था वो पूरा हो जाएगा, जो कि है 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर इन लास्ट 12 मंथ्स। तो सबसे पहले आपको ये क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, तो उसी के बाद आप अपने चैनल को एडसेंस अकाउंट के साथ लिंक कर पाओगे। और फिलहाल के लिए मैं इस अकाउंट को एडसेंस अकाउंट के साथ लिंक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस चैनल का जो थ्रेशोल्ड है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो आपका चैनल जब एलिजिबल हो जाएगा तब मुझे आप नोटिफाई कर देना, मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा एडसेंस अकाउंट के बारे में, और वहां पर मैं ये भी दिखा दूंगा कि एडसेंस अकाउंट के साथ YouTube चैनल को आप कैसे लिंक कर पाओगे। और ज्यादा देर ना करते हुए फटाफट से अपना YouTube चैनल क्रिएट कर लो और अपना मनपसंद वीडियोस बना करके वहां पर अपलोड करना स्टार्ट कर। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जहां पर मैंने आपको दिखा दिया है कि बहुत ही आसानी से कैसे एक YouTube चैनल को क्रिएट करी जा सकती है और उससे पैसा इनकम करा जा सकता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताना। और अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड YouTube में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसके साथ इस वीडियो का आप जरूर शेयर करना। तो इसी नोट पे इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करो, हो सके तो शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार। तो एक सर्वे से पता चली है कि इंडिया के